हेलो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पे देख सकते हैं भीमताल में ही है और मैं सबके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये काट के रखी हूँ आलू, बहुत सारे सब्जी बनता है तो अभी 2 बज रहा, तो मैंने सोची जे अभी से मैंने काट कूट के रख दूँ, तैयार करूँ। और ये है हरी टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें, और ये करेला भी बनाना है और दाल भी बनाना है, तो इसीलिए मैंने अभी से तैयारी करना शुरू कर दी हूँ। तो मैं चल रही हूँ, अभी सब्ज़ी पहले बनने के लिए रख दे रही हूँ, करेला की सब्ज़ी एक तरफ, एक तरफ आलू की सब्ज़ी, और दाल भी बना लूँगी, चावल बाद में बनाऊँगी क्योंकि हाँ बोलो जी, तुम क्यों बीच में इतना डिस्टर्ब करती हो, हटो। तो मैं अभी सब्जी, क्योंकि चावल बाद में बनाऊंगी क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, सब्ज़ी चलो ठंडा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चावल गर्म होना चाहिए, तो चावल सबसे बाद में बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं, मैं आलू तो काट रखी हूँ, इसे काटती हूँ। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहें और हमारे साथ इंजॉय करते रहें, आप लोगों के साथ साथ में मैं काम करती रहूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये वाला कट्टे बिछा के फिर तिरपाल बिछाते हैं, तिरपाल बिछा के फिर दरी बिछाते हैं, दरी बिछा के फिर उसके बाद से चादर उधर बिछा के फिर सोते हैं, तब भी ठंड लगता है। यहाँ के इतना प्यारा मौसम है, कतई गर्मी है एहसास ही नहीं है, गर्म मतलब गर्मी के मौसम है या क्या है, ठंडी के मौसम में कैसे इंसान रहता होगा सब कोई। तो फ्रेंड, मेरे बच्चों को सबको जुकाम हो गया है यहाँ के मौसम से, इतना ठंडा यहाँ के मौसम है। घरवाली यहाँ पे हैं तो मतलब खाना भी नहीं बना देती है, तो मैंने यही सब सोच के मतलब कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना दे रही हूँ, कम से कम बना देने से इंसान छोटा थोड़ी हो जाता है और चाहे बुराई थोड़ी हो जाए। देख सकते हैं सारे खराब खराब निकल गया इसमें काले का। तो इसी कारण मैं बना देती, बना देने पे यह होता है कि आते हैं लोग बेचारे काम पे से तो उन लोगों को बनाना नहीं पड़ता है, अपने लिए थोड़ा सा बनाऊंगी तो बनाना ही पड़ेगा, तो वही सारे काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा थोड़ा पढ़ के बना दूंगी तो सबके हेल्प हो जाएगा, सबको ये आएगा, आता है काम पे से तो आराम से खाना वाना खा के लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो उन लोगों का दिल खुश तो रहता है, चलो भाभी है तो बना दे रही है, कहते भी हैं इसीलिए बना भी देती हूँ। आखिर यहाँ पे नहीं होती तो वो लोग तो नहीं थी तो वो लोग तो कुछ बना रहे थे, अब यहाँ पे रह रही तो तक कर देने में कोई बुराई नहीं। बेटी, बेटी को ध्यान रखना, आसिफा बेटी कहाँ है, छोटी वाली डर लग रही है ना, अब्बू अब्बू चीखने लग रही है, रोड इतने ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ के, इतने ज़्यादा रोड चल रहे हैं, चली जा रही है रोड पे, तो मैं बच्चों से देखवाती रह रही हूँ, रोड पे नहीं जाने दे रही हूँ।
एंड यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर हरी मिर्च भी काट ली हूँ, यहाँ पे करेले काट ली हूँ। मेरा सब्जी के काटना हो गया पूरा। अब चल रही हूँ मैं बनाने सब्जी। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों को बना के फिर खाना बनाने के बाद। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहें। और चलिए बाहर का मौसम दिखा दो आप लोगों से, कितनी बढ़िया, ज़रा सा भी धूप नहीं है, कितनी अच्छा मौसम है। तो ये आप सब देख सकते हैं कितनी बढ़िया मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा, कहीं से धूप नहीं नज़र आ रही है। और ये कपड़े मैंने धो के यहाँ पे टांगी थी, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूला भी खेल रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं। और यहाँ पे जिधर भी देखो, जिधर भी मैं मोबाइल घुमा रही, उधर आप लोग नज़र डालना, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगा। यहाँ पे रोड दिखा रही हूँ, कितना तेज रोड चलता है। यहाँ पे खीरा लगा हुआ है, टमाटर कह रही हूँ, बैगन लगा हुआ है, हरी मिर्च की पेड़ लगा हुआ है। और एक ये सामने जो है जिम करके दिखाती हूँ दुकान है। और ये गेट लगा हुआ है, यहाँ से निकलते नहीं हैं, यहाँ से निकलते हैं। और देखिए गाड़ी आ रही है, यहाँ पे गाड़ी चलता है तो रुकता नहीं है, बच्चे को डर लगता है यहाँ पे। चलिए दोस्तों खाना मेरा बन के हो गया रेडी। इसमें है सब्जी करेले की, ये देख सकते हैं, आलू टमाटर की सब्जी मुर्गा के जैसे बना हुआ है, उसको बहुत बेहतरीन आ रहा। और चावल और दूध, अंडे हैं, इसमें है दाल। तो अब मैं खाना वाना बना के 4:41 हो रही है, फ्री हो गई मैंने। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, कितनी बढ़िया लगता है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस घूमने को नहीं मिल रहा, काम की वजह से ये लोग काम में लगे रह रहे, तो घूमने को नहीं मिल रहा, देखते हैं किस दिन घूमने को मिलेगा। और मैं अपने बेटी को रेडी कर दी, देखिए मेरे बेटे की कैसे लग रही है। नहीं बाय करो, अरे वाह, अरे आप लोगों में किस भी मेरे को यहाँ पे चल, ऐसे नहीं अच्छी बात है। लोग जा रहे हैं झरना पर नहाने के लिए, ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। और यहाँ के व्यू देखिए कितनी बढ़िया है, और कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और झरना पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। अयान की अम्मी सोच रही है ना जो यहीं पे रहेंगी, तो कह रही है बच्चों का नाम लिखवा दो। मैंने कही हम यहाँ पर नहीं रहेंगे 2-4 दिन के लिए। ये घर कितनी खूबसूरत है, यहाँ के कितने अच्छे अच्छे जगह हैं, यहाँ पे रहने के बहुत ही अच्छे लगते हैं, देख सकते हैं जिधर भी देखो उधर भी साफ सुथरे, कितने बढ़िया। पार्क के जैसा है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इन लोगों के झरना क्या है, कौन सी है। इधर जंगल में देख सकते कितने खूबसूरत हुई, कितने पेड़ पौधे इधर नहाने के लिए आए हैं। झरना है।
यहाँ पे क्या होता है? शनि महाराज का होगा। और यहाँ पे नहा रहे लो, इसी को झरना बता रहे लो। ये झरना है तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पहाड़ में से।